नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसे देख करके आपको लगता है कि ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, यानी कि कुछ ऐसी बुरे व्यवहार या फिर ऐसी बुरी घटनाएं आपके साथ घट जाती हैं जिन्हें देख करके आपको। दोस्तों, शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय इतने ही शक्तिशाली व चमत्कारी होते हैं कि जिन्हें करते ही परिणाम देखने को मिलता है। जिस प्रकार से कुछ खास मंत्र होते हैं जो कि चमत्कारी होते हैं, जिन्हें करते ही सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। जिस प्रकार से वशीकरण मंत्र होता है जिसे याद करते ही सामने वाला व्यक्ति वशीभूत हो जाता है, उसी प्रकार हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो कि अपने आप में ही चमत्कारी और विशेष होते हैं, जिन्हें करते ही परिणाम देखने को मिलते हैं। इन उपायों को कर देने मात्र से ही धन का आगमन शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये परेशानी रहती है कि वे जीवन में जितना भी प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन धन उन्हें मिल ही नहीं पाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम आपको उपाय बताएंगे, एक बार इसे अपना कर देखिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको पूरे उपाय की जानकारी हो सके। एक बार इस उपाय को अपना करके देखिए, निश्चित रूप से ही धन का आगमन शुरू हो जाएगा। खुद ही यकीन नहीं होता है कि आपके साथ कैसे हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले तो ये देख लेना चाहिए कि आपके जो पूर्वज हैं कहीं वो तो आपसे रुष्ट नहीं है, या फिर आपके साथ जो आपके बड़े बुजुर्ग रह रहे हैं क्या वे आपसे नाराज तो नहीं है। और जो व्यक्ति अब आपके बीच में नहीं है, मतलब आपके पितृगण अगर आपके साथ नहीं है, जो कि पितृगण बन चुके हैं, वे तो आपसे किसी गलती के कारण नाराज तो नहीं हो गए हैं। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के जीवन में उसके बड़े बुजुर्ग रूठ जाते हैं या फिर पितृगण नाराज हो जाते हैं, तो उसके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिनके बारे में कभी सोचा भी न था। अगर आपके भी पितृगण रूठे हुए हैं या फिर आपके घर में बड़े बुजुर्ग नाराज हैं, आपसे हमेशा ही मनमुटाव रखते हैं और आपको इसके बारे में पता नहीं है, तो आपको अगर इसके बारे में पता करना है तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं कि क्या होता है। ऐसे घरों में बच्चे ज्यादातर अनपढ़ रहते हैं, उनकी शादियां जल्दी नहीं होती है, कर्जे में इंसान दबा रहता है, आपके कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं होंगे और साथ ही समाज में भी पूरी तरह से मान सम्मान नहीं मिलता है। तो अगर आपके साथ भी इनमें से कुछ हो रहा है तो एक बार आप देख लें कि आपके पूर्वज आपसे संतुष्ट तो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कोई पूजा या विधि कोई अधूरी रह गई हो या फिर कोई बाकी हो। अगर आपकी कोई भी पूजा या विधि बाकी रह गई है तो उसे पूरा कर ले और अपने जीवन में आपको कोई और उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, सभी उपाय विधि आपने पूरी तरीके से की है, फिर भी आपके जीवन में आपको कष्ट हो रहा है, तो हम आपको एक उपाय बताने जा रहे हैं। जो भी काम आपके बनते बनते अटक जाते हैं या फिर बन नहीं रहे हैं, बनते बनते रुक जाते हैं, वे सभी कार्य अब आपके बनने लगेंगे। आपको करना क्या है, आपको बस एक छोटा सा उपाय करना है। अब आपके जीवन में चाहे कोई भी समस्या हो, पैसे टके से संबंधित हो, आर्थिक व्यवस्थाएं हो, दुश्मन परेशान कर रहा हो या फिर कोई ऊपरी बाधा या कोई भी जीवन में आ रहा संकट हो, वैसे उपाय को करते ही दूर हो जाएगा। अब जो आपको हम उपाय बताने जा रहे हैं ये बेहद ही सरल है, इसलिए आप इस उपाय को बड़े ही ध्यान से और इस वीडियो को अंत तक सुने। दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको इस उपाय के लिए सुबह सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है। हो सके तो आप सूर्य उदय होने से काफी पहले ही उठ जाएं, अन्यथा आप जब सूर्य उदय होने वाला हो तब तक आप अपना बिस्तर को त्याग दें, यानी कि बिस्तर पर आपको नहीं रहना है। उसके बाद चाहे सूर्य उदय हो, उसके बाद आपको अपने घर में अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाना है और अपने घर की रसोई में जाकर के आपको सबसे पहले अपने घर की रसोई में जो चिमटा होता है जिससे रोटियां पलटने का कार्य किया जाता है, उस चिमटे को अपने हाथ में पकड़ करके आप उसे दबाएं, यानी कि उस चिमटे को एक बार बजाएं। अपने रसोई में ही खड़े होकर के एक बार आपको उसे बजा देना है और बोलना है, अलक निरंजन दुख भंजन रोग विनाशक, यह तीन शब्द आपको चिमटा बजाने के बाद बोलने हैं। और इसी प्रकार से आप अपने पूरे घर में घूमेंगे और इस चिमटे को बार बार बजाते रहेंगे और साथ ही साथ यह शब्द आप बार बार दोहराते रहेंगे, अलक निरंजन दुख भंजन रोग विनाशक।
यह उपाय आप जितना लंबे समय तक कर सकें, प्रतिदिन कर सकें, तो बहुत ही उत्तम है। लगातार करते रहें, कम से कम 7 या 11 दिन तक तो आप अवश्य ही करें। इस उपाय को करने से आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वे सभी समाप्त हो जाएगी, खुद ब खुद आपका घर छोड़ करके चली जाएगी और आपके जितने भी कार्य अब तक जो बन नहीं रहे थे, कामों में अड़चन आ रही थी, घर में लोग कोई अगर कोई बार बार बीमार हो रहा था या फिर घर में कोई आर्थिक समस्या चल रही थी, वे देखते ही देखते दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया, सवेरे उठते ही रसोई की इस चीज को मात्र छू लेना, आपकी सभी प्रकार के संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी और सभी प्रकार के कार्य आपके बनने लगेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें मैं इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय बजरंगबली।